हिंदू जागरण मंच द्वारा महाकाल मंदिर की व्यवस्था और मंदिर में हो रही ओ माई गॉड 2 फिल्म की शूटिंग का विरोध करते हुए कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया। हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर के नाम महाकाल मंदिर की अव्यवस्थाओं सहित मंदिर में हो रही फिल्म शूटिंग पर आपत्ति लेते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना था कि महाकाल मंदिर में प्रशासन द्वारा काफी अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रूप से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग बदस्तूर जारी है। वहीं ओ माई गॉड में भी फिल्माए जा रहे सीनों में भगवान का अपमान है, जहां हिंदू आस्था को फिल्म के माध्यम से ठेस पहुंचाया जा रहा है। अगर आगे भी इसी प्रकार से अव्यवस्थाएं और हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ होता रहा तो हिंदू जागरण मंच उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएगा। कि आप सभी जानते हैं अभी ओएमजी की शूटिंग चल रही है और वैसे भी उज्जैन जो है फिल्म का एक केंद्र बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रशासन से यह आग्रह है कि जो आने वाले समय में जो शूटिंग हो मूवी बने उसकी पटकथा को पढ़ लिया जाए जो हिंदू आस्था को ठेस ना पहुंचाए। अगर वो हिंदू धर्मावलंबियों के विरुद्ध कोई पटकथा रही या स्क्रिप्ट रही तो हम लोग हिंदू जागरण मंच उग्र आंदोलन करेंगे। दूसरा ये है कि जो महाकाल मंदिर में प्रवेशिकाएं उतारी जाती है वह एक स्थायी स्थान पर उतारी जाती है, लेकिन वीआईपी का जो वीआईपी प्रोटोकॉल से आते हैं उनका कोई नियत स्थान नहीं है, उनका भी एक नियत स्थान दिया जाए ताकि सभी को एक संदेश जाए कि बाबा महाकाल के यहाँ पर किसी से भेद नहीं किया जाता।